बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर का चैप्टर 15, जिसका टॉपिक है होमियोस्टेसिस। स्टूडेंट, होमियोस्टेसिस वर्ड ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड होमो मी सेम। स्टेसिस मीन स्टैंडिंग आर कंडीशन, लिटरली मीन सेम स्टैंडिंग। एक इसकी एक और डिफाइन किया सिंपली। फर्स्ट ऑफ ऑल होमियोस्टेसिस का मतलब है, इसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लें। होमियोस्टेसिस का मतलब है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने वाली चेंज के नतीजे में इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू प्रोटेक्ट द इंटरनल एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस। अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक इसकी एक डिफाइन है, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट टू द हार्म इन चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस। द प्रोटेक्शन of internal environment to harm in change in external environment. That is called homeostasis, the protection of internal environment from the harm element, from harm in change in external environment, that is called homeostasis. इसकी दो एग्जाम्पल है। सबसे पहले आपको मैं एक लोग के लिए एग्जाम्पल से समझा देता हूँ इसका कॉन्सेप्ट होमियोस्टेसिस का। देखें, मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब तक सांस रोके रखूंगा मेरा हाथ खड़ा रहेगा। देखिएगा, अब देखिए, जब तक मैंने एक लम्हे के लिए सांस रोक के रखा तो मेरी बॉडी में होने वाले मुख्तलिफ बायोकेमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो क्रैब साइकिल है, जो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, उसमें डी कार्बोक्सिलेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ी। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ी तो वही कार्बन डाइऑक्साइड मेरे वाइटल ऑर्गन ब्रेन की जानब उनके अंदर पा जाने वाले रिसेप्टर को हुक्म मिला कि लंबा सांस लिया जाए, डीप ब्रीथ लिया जाए, ताकि बॉडी में से कार्बन की अमाउंट को एक्सपेल आउट किया जाए और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाए, सस्टेन किया जाए। That is called homeostasis. या एक इसकी सिंपल एग्जाम्पल और बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस के। अब ये 30 डिग्री सेल्सियस के जो हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर या कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, बाहर का टेम्परेचर जितना भी हो, चाहे 40 हो, 40 प्लस हो, 10 पे हो, अब 40 प्लस 10, अब बाहर के टेम्परेचर में चेंज आने के नतीजे में हमारी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन या सस्टेन रखने वाला जो सिस्टम है उसको बोलते हैं होमियोस्टेसिस। उससे पहले हम बात करते हैं एनवायरमेंट की। तो एक एनवायरमेंट है बेसिकली, ये टू टाइप का होता है, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल एनवायरमेंट। इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट। फर्दर ऑन, ये जो इंटरनल एनवायरमेंट है इसकी भी दो टाइप्स है। एक कहलाता है इंटर सेलुलर एनवायरमेंट और दूसरा कहलाता है इंटर
सेलुलर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कितनी तरह के होते हैं इंटरनल? टू टाइप क्या? या तो इंटर सेलुलर एनवायरमेंट हो सकता है या इंट्रा सेलुलर एनवायरमेंट हो सकता है। अब होम्योस्टेसिस जो है बेसिकली टू लेवल पे अक्कर होती है, या ऑर्गेनिज्म लेवल पे या सेल लेवल पे। देख लेते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म लेवल पे या सेल लेवल पे किस तरह अक्कर होती है। अक्कर एट टू लेवल। फर्स्ट एट ऑर्गेनिज्म लेवल, सेकेंड वन एट सेल लेवल। अगर ये ऑर्गेनिज्म लेवल पे होता है, देखें हमारी बॉडी का जहां पे मैं खड़ा हूं ये हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, मेरी बॉडी के बाहर का जो एनवायरनमेंट है दैट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी फ्लक्चुएशन आएगी, जो भी चेंज आएगी, उसके नतीजे में मेरी बॉडी के अंदर अल्टीमेटली कंपोनेंट में चेंज आएगी। वो इंटरनल कंपोनेंट कौन कौन से हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशन आने के नतीजे में इफेक्ट डालेंगे वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो वो बेसिकली है थ्री, या तो हो सकता है वाटर, या हो सकता है सॉल्यूट, या हो सकता है टेम्परेचर। अगर हम बात कर रहे हैं सेल लेवल की, देखिए हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है सेल है, और सेल के अंदर बेसिकली डिफरेंट ऑर्गेनेल्स पाई जाती है, डिफरेंट ऑर्गेनेल की कंपोजिशन है, और इसके अलावा इसमें सेल मेम्ब्रेन भी है और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं। सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है ये बेसिकली उसके अंदर पाए जाने वाले प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन के इक्वल हो सकता है। अगर बाहर कंपोजिशन चेंज हो रही है तो अंदर प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे होम्योस्टेसिस के कंपोनेंट। तो होम्योस्टेसिस के बेसिकली थ्री कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस, इसके बेसिकली थ्री कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, सेकंड वन इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन, एंड थर्ड वन ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एंड व्हाट इज थर्मोरेगुलेशन? थर्म मीन टेम्परेचर, हीट। मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल टेम्परेचर विद इन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी इंटरनल टेम्परेचर of organism that is called thermoregulation। And osmo का मतलब होता है salt। अब किसी भी body of organism के अंदर अगर salt और water की concentration को balance कर रहे हैं that is called osmoregulation। It is defined as maintenance of salt and water within body of organism।
कि बॉडी के अंदर आप साल्ट और वाटर को मेंटेन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। आगे हमने अभी डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज रोल ऑफ, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है इस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट इज रोल ऑफ होम्योस्टेसिस इन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। इन एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर इसका क्या रोल है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एवोल्यूशन? चेंज इन ऑर्गेनिज्म विद अ पैसेज ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें कि होम्योस्टेसिस का जानवरों की जिंदगी से क्या तल्लुक है या एवोल्यूशन को चेंज करने में ये किस तरह रोल प्ले करता है। अब देखिए मैं कहता हूँ सपोज अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आएगी तो अल्टीमेटली इंटरनल एनवायरनमेंट भी चेंज होने की कोशिश करेगा। अगर इंटरनल एनवायरनमेंट कब चेंज होने की कोशिश करेगा? जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आएगी। लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होने के नतीजे में उसके खिलाफ रेजिस्ट होगा। क्या होगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आने के नतीजे में इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होने की कोशिश करेगा लेकिन पैदा क्या होगी? रेजिस्ट। अब ये रेजिस्ट कौन पैदा कर रहा है? असल में वो पैदा कर रहा है होम्योस्टैटिक सिस्टम। अब दूसरी बात ये है, आप यूं कह सकते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंज आ रहा है उसके नतीजे में इंटरनल एनवायरनमेंट, अक्सर हमने सुना हुआ है कि इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज आने से रोकता है होम्योस्टैटिक सिस्टम, ऐसा नहीं है। बल्कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आने के नतीजे में इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर रेजिस्टेंस के नतीजे में वो जानदार में क्या पैदा कर देता है? एडेप्टेशन। क्या पैदा कर देता है? एडेप्टेशन पैदा कर देता है। और एडेप्टेशन किसको बोलते हैं? कि माहौल में आने वाली ऐसी तब्दीली जिसके नतीजे में जानदार बेहतर तरीके से वहां पे रह सके। अब किसी जानदार में जितनी ज्यादा एडेप्टेशन आएंगे वो जानदार एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आने के नतीजे में अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में उतने ही ज्यादा क्या पैदा करता जाएगा? अडेप्टेशन। और वो बेहतर तरीके से वहां पे रहना शुरू कर देगा। आपने तो टर्मिनोलॉजी अच्छे से सुनी होगी, एक्सटेंशन और एंडेंजर्ड स्पीशीज। अब देखें जो जानवरों में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आने के नतीजे में अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में अडेप्टेशन क्रिएट नहीं किए विद द पैसेज ऑफ टाइम, इस सफाई हाथी से खत्म होते चले गए। लेकिन जिन जानदारों ने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने वाली चेंज के नतीजे में इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज होने के नतीजे में एडेप्टेशन पैदा करते गए वो ऑर्गेनिज्म बेहतर तरीके से आगे अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते गए। इसलिए बुक के अंदर वर्ड लिखा होगा कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, यानी उन्होंने अपनी लाइफ को आगे से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, स्पीशीज की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। और डियर स्टूडेंट, हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा। दी नॉलेज, अल्लाह हाफिज़।